मिस्टर केपी एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हमने लिया है एक बाटल, इसमें पानी भर रखा है और इसे गैस के ऊपर असेंबल कर रखी है बोतल को। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बोतल में हम पानी गर्म कर सकते हैं या नहीं, यानी कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो बोतल में पानी गर्म किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए यही देखते हैं। अब मैं इसमें आग लगा देता हूँ। बोतल तो पिचकने लग गई, पानी तो भर रखा लेकिन बोतल जो है सिमटने लग गई और इसका आकार बहुत छोटा सा होता जा रहा है। हम इतना गर्म करेंगे कि पानी उबलने लग जाए। चलो यही देखते हैं। बाटल सिकुड़ के बहुत पतली सी हो गई है और उसमें आवाज़ भी कर रही पिट पिट, लेकिन कहीं से फूटने की कोई वो नहीं दिख रहा। अभी तक तो बोतल सलामत है। नीचे से बोतल जो सिकुड़ रही है ना, तो ऊपर पानी का आकार बढ़ता जा रहा है, यानी जो बोतल कम भरी हुई थी वो ऊपर फुल होती जा रही। पता नहीं क्या होने लग गया, लीकेज हो गई क्या बोलता? भाई पानी तो गर्म हो रहा है लेकिन इसमें छेद भी हो चुका है। ये देखिए आप, ये एक छोटा सा छेद हो चुका है इसमें और पानी गिरने लग गया। पानी तो गर्म किया जा सकता है भाई, पर बोतल को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि अब इसमें दो छेद हो चुके। तीन छेद हो गए। पानी गर्म किया जा सकता है लेकिन बोतल को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि इसमें छोटे छोटे तीन छेद हो चुके हैं। चार छेद हो गए, यानी जो बोतल जहाँ पर रुकी होती है ना जमीन पे, वो वाले उसके जो पैर होते हैं ना, उनमें छेद हो चुके हैं। चार छेद हो चुके। ये पूरी तरह से इसमें छेद हो चुके।
तो अब मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।